ये है रिजवान अपनी जिंदगी से परेशान। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। अबे भाई खैरियत तो है, इतने दुख में क्यों बैठे हुए भाई? अरे नौकरियां वोकरियां आजकल है नहीं यार, काम धंधा नहीं है, महंगाई कितनी हो रही है, जहाँ जाओ नौकरियां नहीं है, जहाँ जाओ नौकरियां नहीं है। इतनी सीवी दे चुका हूँ मैं, जितनी तो नौकरी ने सजा तो मैं सीवियां दे चुका हूँ मैं। यार रिजवान भाई, इसमें आपको ऐसा नहीं लगता वो जो गैर मुकामी आए हुए हैं सस्ते में काम कर रहे हैं उनकी वजह से भी हमारा शेयर जा रहा है? भाई मजा आया, मैं खुद भी इतना परेशान हूँ, मैं भी 6 महीने से पिछले बेरोजगार बैठा हुआ हूँ यार। हाँ ना यार, देखो ना क्या होगा हम लोगों का यार, हमारे भी बच्चे कैसे पढ़ेंगे। इतना टेंशन में यार, घर वाले अलग सुना रहे हैं मुझे रात दिन करो करो करो, मैं खुद टेंशन में यार। तो इसी वजह से तो बंदे सुसाइड कर रहे हैं यार, क्या करें हम, तुम खुद बताओ। किराए का मकान है, 15,000 रुपए रेंट है, बच्चों की फीसें हैं, बंदा कहाँ से भरेगा? मेरा एक ही सपना है, मैं भी अपने दादा की तरह यार करोड़पति बनना चाहता हूँ बस। तो तेरे दादा करोड़पति थे? अबे नहीं यार, वो भी बनना चाहते थे। जहाँ जाओगे नौकरी पे बोल रहा है, नौकरी पे जाओ तो इंटरव्यू फेल, नौकरी से निकाल देते हैं, पेट्रोल अलग खर्च होता है, पानी तो अलग करवाता है हम लोगों की। यार रिजवान, इस दफा मैंने तेरे को बोला कि जॉब पे जाना है भाई, एक जगह है जबरदस्त जगह है तो बहुत कदीम की जगह है। अबे हंस रहा है तू भाई, वहाँ पे लोगों को चीजें मिली है यार। अबे अबे हम लोग को मिले 5 किलो सोना मिला है वहाँ से यार। अबे सब झूठ है, जो नकली सोना लेके लेके आ गए होंगे, बड़े हरामी हो बेटा। यार तू 1000 दफा गया इंटरव्यू देने के लिए, फेल हुआ है ना? हाँ फेल हुआ। एक दफा और ट्राई कर ले भाई की खातिर, मैं खुद तुझे यार क्योंकि यहाँ पे वाले होते हैं यार। तू चल तो एक दफा, चलना नसीब आजमाता है अपन लोग, चले चलो चलो बस एक दफा चल, चलो चलते आ जाओ चलो। नसीब आजमाना है कि तेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, बाकी कपड़े चेक कर तू यहाँ पे। नहीं कपड़े तो माशाल्लाह, लेकिन यहाँ मिलेगा क्या? तू पहले यार पहले तू ढूंढते रहे, दुआ कर। नहीं आ रहा तो यहाँ मिलेगा क्या ये बता। यार अब जो तेरे नसीब में होगा मिलेगा, बाकी अब ढूंढना स्टार्ट करते हैं अपन लोग। चलो ढूंढो पहले भाई, इस खबरों से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देख इधर क्या ढूंढते हैं यार, ये कहीं खुलने वाली तो सेटिंग नहीं है। इधर आ इधर आ इधर आ, ये अंदर से क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? अबे पत्थर यार, अबे ये तो बहुत टाइम लगेगा, गेती भी नहीं है पास तो, कोई गेती वेती कोई भुगा लाना पड़ेगा। अबे नहीं नहीं नसीब की बातें मिल जाता है, देखते हैं। नहीं यार दुनिया जहाँ को मिलता है तू पनौती है। चल तू अकेले में ढूंढ के देख लेना, चल मैं यहाँ बैठा हुआ तू अकेले जा ढूंढता हूँ, अकेले बैठा हूँ मैं नहीं आ रहा। अब तू देख तू ढूंढ के ला, आई हो नहीं? हाँ हाँ तू ढूंढ के ला। यार ये देखो पनौती चूतिया को हटाया, देखिए कुछ ना कुछ तो मिला, ये घड़ी मिली है लेकिन यह है पुरानी घड़ी, इसमें कुछ ना कुछ तो जरूर राज छुपा हुआ होगा। राज मुझे देखना पड़ेगा क्या राज है इसके। ए भाई रिजवान पनौती, शुक्र है तुझे लेके नहीं गया, ये देख क्या मिला है, ये चेक कर ये क्या चीज है। अबे ये क्या चीज है यार? अबे भाई ये घड़ी लग रही है मुझे, ये पुराने जमाने की। चल बे हाँ, बे एक लोग ऐसी घड़ी पहनते थे, ऐसी ये जबरदस्त लग रही है। नहीं यार मैंने दादा ने कभी बताया नहीं यार, ये चल नहीं रही, कुछ ना कुछ होगा इसके अंदर, ये देख तो ये मुझे लग रहा है। पहले तो देख सेल वेल होते नहीं थे, मुझे लग रहा है ये धूप की रोशनी चलेगी, ये अभी तेरे को अंधेरे से मिली है। लेकिन मैं तुझे ये बता दूं, ये घड़ी मुझे मिली है तो ये मेरी है। बड़ा हरामी हो बेटा, आधा करेंगे ना, आधा कुछ नहीं होगा। देखो अभी मैंने इतनी मेहनत करी ढूंढने में, अब तेरा यार तुझे तो लग रहा है तुझे किसी की छीन के लाया, बादशाह छीन के लाया तो ये मिली नहीं। नहीं नहीं ये गलत कर रहे हो तुम, ये बाकी ये देखते हैं, ये अब लोग चलते हैं इसको लेके। काम करते मेरा जानने वाला घड़ी वाला, उसको दिखाते हैं कितने की खरीदेगा ये, चलो दिखाते हैं बादशाह, उसको ये नहीं बोलेंगे हमने ढूंढी है, ये बोलेंगे कि पुरानी है, हम ये बोलेंगे हमने किसी से खरीदी है। सही है, तू कितने में खरीदेगा हमारे से? चलो ठीक है चलो 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 चलते हैं।
मोहसिन उठो, तुम्हें टाइम का होश है? टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, अलार्म बज रहा है कब से? ऐसे ख्वाब देख रहे तुम कभी भी नहीं होगे।